वेलकम बैक टू फैक्ट्स विद टोक्यो। आज की वीडियो में हमारे देश के एक ऐसी रहस्यमय जगह के बारे में बात करते हैं जहां लोग जिन्नात को खत लिखते हैं और उनसे राब्ता करते हैं, मदद मांगते हैं। आगे बढ़ने से पहले क्विकली इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, जिन या जिन्नात मुस्लिम कल्चर में एक ऐसी शक्ति है जो इंसानों से बहुत शक्तिशाली और जादुई माने जाते हैं, लेकिन कई लोग आज भी इनके वजूद पर यकीन नहीं रखते। यही वजह जिन्नों को रहस्यमय बनाती है। जिन्नात का ओरिजिन अरबिक फोकलोर से मिलता है, जिनके कई किस्म माने जाते हैं। इस्लामिक कल्चर में ये माना जाता है कि इंसान मिट्टी से और जिन्नात आग से बने होते हैं। ये हमारे ही साथ पैरेलल इसी दुनिया में रहते हैं, लेकिन हम उन्हें महसूस नहीं कर सकते। वो हमें देख सकते हैं और अगर चाहे तो बात या इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। इंसानों की ही तरह उनमें कुछ अच्छे और कुछ बुरे जिन होते हैं। ये भी इंसानों से दूर रहना पसंद करते हैं, इसीलिए जिन खामोशी, वीराने और सुनसान जगहों पर अपना बसेरा बनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिन अगर चाहें तो किसी भी इंसान को कामयाब कर सकते हैं और साथ ही तबाह भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम ऐसी जगह की बात करने जा रहे हैं जहां ये माना जाता है कि वहां जिन्नों का बसेरा है और वहां लोग जिन्नों से बात करके उनसे मदद मांगने आते हैं। यूं तो इनके बसेरे का पता लगाना नामुमकिन है, लेकिन दिल्ली में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां एक या दो नहीं बल्कि जिन्नात की पूरी फौज रहती है। वो प्लेस है फिरोज शाह कोटला, जिसे फिरोज शाह कोटला किला या जिन्नों का किला भी कहते हैं, जिसे बादशाह फिरोज शाह तुगलक ने 13वीं सेंचुरी में बनवाया था, जिसमें एक मस्जिद भी मौजूद है। लेकिन वक्त गुजरता गया और ये किला और मस्जिद वीरान हो गई और खंडर में तब्दील हो गई। ये बात तो कोई नहीं जानता कि किस तरह जिन्होंने इस जगह को अपना लिया, लेकिन ये माना जाता है कि सालों से ये किला वीरान था, जिसके चलते जिन्होंने इसे अपना घर बना लिया। आसपास रहने वालों ने कई ऐसे अजीब व गरीब हादसे देखे जिससे ये बात पक्की हो गई कि ये जगह जिन्नों का डेरा है, जिसके चलते लोगों ने यहाँ आना जाना छोड़ दिया। इस किले को लेकर कई कहानियाँ मशहूर है, जिसमें ये भी कहा जाता है कि कई साल पहले बहुत बड़े सूफी संत से जिन्नों ने गुजारिश की कि इस किले में मौजूद वीरान मस्जिद में फिर से नमाज शुरू की जाए। तब इन्होंने आसपास के लोगों को समझाया कि जिन भी खुदा की बनाई हुई मखलूक है और उनसे डरा नहीं करते। उसके बाद से यहाँ की मस्जिद फिर से आबाद हो गई और माना जाता है कि इसके बदले में यहाँ के जिन इन लोगों की मदद करने लगे, और तब से जिन्नात को खत लिखकर मदद मांगने का सिलसिला जारी हुआ। यहाँ आज भी कई फरियादी तरह तरह के फरियाद लेकर आते हैं और कई लोगों का दावा है कि यहाँ मौजूद जिन्नों ने उनकी सच में मदद की है। यहाँ ये माना जाता है कि आपकी कोई भी तकलीफ हो उसको एक चिट्ठी पर लिखकर यहाँ मौजूद अंधेरे कमरे के दरवाजे पर लटका दिया जाता है, और आधी रात को जिन यहाँ आते हैं और लोगों की चिट्ठी पढ़कर उनकी मदद करते हैं। यहाँ जाने वाले लोगों में हर धर्म के लोग होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इन लोगों को जिन्नों पर मजबूत विश्वास है। ये मानते हैं कि इनके बिगड़े काम यहाँ के जिन्नों ने ही बनाए हैं। इस जगह को लेकर ये भी माना जाता है कि जब कोई जिन इंसान की मदद करता है और उनका काम बन जाता है, तब वो जिन उस इंसान से कुछ मांगता है या कुछ करने के लिए कहता है जो उसे किसी भी हाल करना होता है, वरना उसके साथ कुछ बहुत बुरा हो जाता है। ये बात तो कई लोग मानते हैं कि यहाँ जिन्नों का बसेरा है, लेकिन आज तक किसी जिन ने इंसानों को कोई तकलीफ नहीं पहुँचाई। इस जगह के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। Till then, stay safe.